केंद्रीय विद्यालय पौनी में कल हुए छात्र संघ चुनाव में NSUI ने क्लिप स्वीप कर दिया है। आज हुए छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में NSUI के प्रतिनिधियों ने अपना परचम लहराया। NSUI ने सीधे मुकाबले में ABVP को एक बार फिर से कड़ी शिरकत दी है। आज हुए मतदान में अध्यक्ष पद पर भारतीय राष्ट्र छात्र संघ के अंकित नोटियाल को 306 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे अमन नयाल को 279 मत ही प्राप्त हो सके। तो वहीं सचिव पद पर भारतीय राष्ट्र छात्र संघ के उम्मीदवार मुकुल कुमार को 422 मत प्राप्त हुए, जबकि ABVP की सोनिया को 366 मतों से ही संतोष करना पड़ा। अमन कुमार को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में सबसे अधिक 402 मत प्राप्त हुए। इस तरह एक बार फिर से भारतीय राष्ट्र छात्र संघ ने केंद्रीय विश्वविद्यालय पौनी परिसर में हुए छात्र संघ चुनाव में अपना परचम लहराया। नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष पौनी अंकित नोटियाल ने कहा कि वे छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करते हैं और वे बोले, सभी छात्र छात्राओं के साथ मिलकर छात्र हितों की लड़ाई को भी लड़ेंगे और सड़क, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को विद्यालय परिसर में उपलब्ध कराने का काम भी करेंगे। निश्चित रूप से NSUI ऐसा छात्र संगठन यहाँ पौड़ी कैंपस में है जो कि लगातार छात्र छात्राओं की समस्याओं को उठाता रहा है, चाहे वह BCOM यहाँ पर खुलवाने की बात हो, चाहे वह BSc में 12 लाख का जनरेटर लगवाने की बात हो, चाहे वह Wi-Fi लगवाने की बात हो। निश्चित रूप से आज छात्र छात्राओं ने यहाँ पर NSUI को तीसरा अध्यक्ष, तीसरी जीत हमारी यहाँ पर वही है। मैं समस्त लोगों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ और निश्चित रूप से NSUI आने वाले टाइम पे और अच्छा काम यहाँ पर करेगी और छात्र छात्राओं की समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करेगी। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं था, बल्कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर विजय प्राप्त करना था, खुद को आगे करना था, ना कि किसी को पीछे करके हमको आगे करना। मेरी कॉलेज के लिए कुछ मुख्य प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि कॉलेज के बच्चों को कई सुविधाएं होती हैं, लाइब्रेरी यहाँ पे किताबें अभी तक लाइब्रेरी में हैं। मैं चाहता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें चेंज हो, बच्चों का सिलेबस चेंज हो चुका है और किताबें आज भी पुरानी हैं, तो वहाँ किताबें आनी चाहिए। कुछ बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए होनी चाहिए और नई नई किताबें वहाँ पर होनी चाहिए।